अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 की रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 जो है डेरिवेटिव्स, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपके इंक्लूड नहीं है। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें आपने इफ वाई इज इक्वल टू 1 + x + x² / 2 का फैक्टोरियल प्लस x³/3 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस सुमोन आगे x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, हर्ज नहीं है, ये सुमोन चलता जाएगा। तो देन शो डैट कि आप इसका जो डेरिवेटिव लेंगे dy/dx फाइंड करेंगे तो दोबारा से आपको ये y, ये क्वेश्चन जो है ना ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो लेट y इज इक्वल टू 1 + x + x² / 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x³/3 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये आगे अगर चलता तो कंटिन्यू भी हो सकता था। अभी फैक्टोरियल खत्म करने हैं तो फैक्टोरियल की वैल्यूज कैसे निकलती हैं, अगर आप कैलकुलेटर्स आपको नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 शिफ्ट प्रेस करें और डिवाइड के बटन होता है एनसीआर का, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टोरियल का बटन है, वो फैक्टोरियल का बटन आपको मिलेगा ये लॉग के बटन के साथ ही, ये देख लें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने प्रेस किया 2 का फैक्टोरियल आ गया और ये देखें जी 2 का फैक्टोरियल होता है 2 ही। तो y इज इक्वल टू 1 + x + x² / अगर आप 2 का फैक्टोरियल देखेंगे तो 2 ही होगा। इसी तरह x³/3 अब 3 का फैक्टोरियल होता है 6, लेकिन अगर हम इसमें चेक करते हैं तो 3 शिफ्ट और ये देखिएगा मैंने लॉग प्रेस कर दिए तो 3 हो गया शिफ्ट और ये आ गया जी आपका फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है, इसके नीचे डिवाइड बाय 6 आ गया। इसी तरह 4 का फैक्टोरियल होगा आपका 4 × 3 = 12 / 24 होगा। और अब चेक भी करके देख लेते हैं 24 ही होता है, 4 का शिफ्ट फैक्टोरियल चेक कर लेते हैं तो जी इसका होता है 24 ही होता है। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, आपने जो नंबर है ना 4 का फैक्टोरियल है तो 4 को 3 से फिर 2 से फिर 1 से ना करें, कोई मसला नहीं है। जैसे 4 × 3 = 12 / 12 = 24, 3 × 2 = 6, पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं यहां तक होते हैं तो आपका फैक्टोरियल मिल जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस सोन। अब आपने डेरिवेटिव निकालना है, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, जो हमारा डेरिवेटिव वेरिएबल है वो कौन सा है, एक्स है ना, ठीक है, ऑन बोथ साइड। सो d/dx (y) आ गया डिपेंडेबल y जो है, और इक्वल टू d/dx, ये हमारे पास है 1 + x + x²/2 प्लस x³/6 प्लस x⁴/24 प्लस सो ऑन, अगर होता तो मजीद भी। तो ये dy/dx इज इक्वल टू, अलग अलग डेरिवेटिव असाइन करें, सो d/dx (1) प्लस d/dx (x) प्लस d/dx, ठीक है, x³/2 प्लस d/dx (x³/6, ठीक है, और प्लस d/dx (x⁴/24 एंड प्लस सोन, हो गया। अब ये फॉर्म पर बना ली, काफी लंबी होगी, तो dy/dx इक्वल टू, ये देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/2 कांस्टेंट शुरू में आ गया और अब आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, x² का। फिर इसी तरह से 1/6 कांस्टेंट आ गया, डेरिवेटिव किसका लेना है आपने, x³ का। फिर 1/24 कांस्टेंट बाहर आ गया, मतलब कांस्टेंट जैसे रूल बताए हुए हैं, तो x⁴ का डेरिवेटिव और प्लस सोन। अब यहाँ पर देखिएगा dy/dx आपको आता है, पावर रूल है सिंपल सा, तो 1 आ गया प्लस 1/2, इसका पावर रूल क्या होगा, पावर शुरू में x⁵ कम कर ली और विदाउट पावर के x का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। इसी तरह प्लस 1/6, इधर भी आपने पावर शुरू में पावर लिखनी है अपने कम करके और विदाउट पावर के आपने x का डेरिवेटिव ले लेना है, प्लस 1/24 आ गया, इधर भी आपने पावर शुरू में x लिखनी है अपने पावर एक कम करके और विदाउट पावर के आपने x का डेरिवेटिव ले लेना है और प्लस सोन, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें, सो dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल, सो 1 प्लस ये आपका x ही हो जाएगा और इसके साथ 1, यानी कि इसकी पावर 2 - 1 है, x ही है, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 × 6, यानी 1/2 x का हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसका 1 हो गया। फिर प्लस अब ये देखें 4 × 6 = 24, तो 1/6 और x की पावर कितनी होगी 3, इसका x का डेरिवेटिव 1 प्लस सोन। अब डेरिवेटिव तो खत्म हो गए, अब फॉर्म क्या बनी, सो dy/dx इक्वल टू 1 + x +
1 डिवाइड बाय 2 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 6 इनटू एक्स क्यूब प्लस सोन। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, दो फैक्टोरियल खत्म किए थे उसको दोबारा फैक्टोरियल की फॉर्म में लाना है। तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 6 किसका फैक्टोरियल होता है, 6 होता है 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, साथ ही x का क्यूब भी आ गया और प्लस आगे अगर आप देखते जाएंगे सेम यही चीज आ जाएगी। और यही चीज आपकी क्या है, यही चीज आपकी अगर क्वेश्चन देखा जाए तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस आगे होता आपका तो x की 4 डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, वही आना है। तो ये किसके बराबर है, वो आएगी जब क्वेश्चन देखा था। सो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू y, सो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ दैट आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है। आई होप क्या आप ये इसको देखेंगे अच्छी तरह से समझेंगे, आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आपने लाजमी तौर पर जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कमेंट्स वगैरह सब कुछ आपने जो है वो यानी के साथ कोऑपरेट करना है ताकि मैं मजीद वीडियोज आपको जो है वो आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको मजीद वीडियोज जो है वो अपलोड करता रहूँ। और इसके साथ ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।